और अब बात कर लेते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपस में आज मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मॉरिशस के पीएम जगन्नाथ के लिए एक लंच होस्ट करने वाले हैं। नीतीश कुमार भी इसी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आपको हम बता दें कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। नीतीश कुमार आज गंगा में सिल्ट की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अलग से बैठक भी करेंगे। जानकारी इस बाबत भी है। नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा के लिए विपक्ष के नेताओं को लंच पर आमंत्रित किया था। इस लंच में मायावती, ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव समेत विपक्ष के 17 नेता शामिल हुए। नीतीश कुमार निमंत्रण के बावजूद भी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। नीतीश की पार्टी जेडीयू की तरफ से शरद यादव और केसी त्यागी इस लंच में शामिल हुए थे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि सोनिया गांधी के लंच में ना जाने को लेकर गलत समझा जा रहा है। वहीं बीजेपी भी इस मसले पर कुछ भी कहने से बच रही है। ना कोई मुलाकात की बात, ना राष्ट्रपति चुनाव की बात। माननीय सोनिया जी ने मुझे अप्रैल महीने में ही बुलाया था, हम उनसे मिल चुके। अभी लंच पर उन्होंने विभिन्न पार्टियों को आमंत्रित किया था। हम लोगों की पार्टी की तरफ से हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी गए। ये जो हम देख रहे हैं कल से, तो ये मिस इंटरप्रिटेशन छोड़कर और कुछ नहीं। हमारी पार्टी की तरफ से शरद जी उसमें शामिल हुए हैं और पहले ही से तय था हमारी पार्टी कि वो जाएंगे। और हमारी मुलाकात और हमारी बातचीत पहले हो चुकी है, जिन विषयों की बात आप कर रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री के साथ कल आपकी मुलाकात होने वाली है 24 घंटे बाद। कल मॉरिशस के प्रधानमंत्री के सम्मान में दिन का भोज आयोजित है प्रधानमंत्री जी की तरफ से। उसमें मुझे आमंत्रित किया गया है और मैं उसमें शामिल होऊंगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी से किसी राज्य के मुख्यमंत्री जी मिलने जा रहे हैं, तो आप जानते हैं इस लोकतंत्र के इस संवैधानिक व्यवस्था में यह एक व्यवस्था बनी है, तो इसमें तो जा रहे हैं, तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है।